मम्मी, कैसी हैं आप? आपको पता, मैं सिर्फ आपको याद कर रही थी अभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक नहीं हूँ सामिया, बहुत परेशान हूँ बेटा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? सब ठीक है? सब खैरियत है? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? बस क्या बताऊं, नसीब में परेशानियां जो लिखी गई। अम्मी मुझे बताएं, सब खैरियत है? क्या हुआ है? सामिया, तुम अपने अकबर भाई को कॉल करो बेटा, उससे कहो यहाँ आए, मुझसे बात करे। इस नादान को तो पता नहीं है क्या कर रही है अपने साथ, अपना घर उजाड़ देगी इस तरह। अम्मी अब सबसे पहले आप रोना बंद करें, मैं आज ही अकबर भाई से बात करती हूँ। मैं खुद चली जाती लेकिन इद्दत में हूँ, घर से नहीं निकल सकती। अच्छा अम्मी, आप प्लीज किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना लें। अरसलान आते हैं तो मैं उनसे भी बात करती हूँ कि आप और अकबर भाई को आमने सामने बिठाएं, हो सकता है कि मसला हल हो जाए। नहीं नहीं बेटा, अरसलान को इस मसले में मत उलझाओ। पहले ही अकबर ने उसके 15 लाख रुपए देने हैं। कोई ऊंच नीच हो गई ना तो बात और खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। आप प्लीज किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं, प्लीज अम्मी। जल्दी बात करना बेटा। खुदा हाफिज़। खुश रहो हमेशा। आपे भी कभी कभी तो बच्ची बन जाती है। अल्लाह ताला तो फिर क्या सोचा मेरी और अकबर की शादी के बारे में? इसके बारे में तो सोचना भी मत। पहले 15 लाख जलाए, अब मुझे जलाओगी क्या? क्या करूं मैं? अकबर से मोहब्बत इतनी करती हूँ कि कुछ आगे उनके नजर ही नहीं आता। क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। आग लगे ऐसी वाहियत बातें करने और उन पे अमल करने वालों पर। चची मेरी बात सुने, मेरे जैसा जोड़ अकबर के लिए आपको मिलेगा नहीं। चांद और सूरज की जोड़ी हैं हम, और फिर देख लीजिएगा मेरे नसीब से इस घर में पैसे और बच्चों की लाइन लग जाएगी। देखती हूँ। ना तो अब इस घर में तबस्सुम आएगी और ना ही ये। अब तो मेरे आंगन में कोई और हूर परी उतरेगी।